गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डे फ्राइडे डेट 3 सितंबर 2021, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर आपका है 238 और आपका टॉपिक है शेप्स टूल. लेट्स वी रीड. यू कैन ड्रॉ सम शेप्स फ्रॉम दी शेप टूल. आप शेप टूल में से कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हो. You can filled and unfilled the figure also. आप उसमें कलर भी भर सकते हो और नहीं, मतलब अगर आप नहीं भी भरना चाहते तो मत भी भरो. To use these shapes, you will have to follow some steps. अगर आपको shapes को use करना है तो आप इन steps को follow करोगे. इन steps के साथ आप अपना shape tool use कर सकते हो. क्लिक द शेप टूल. सबसे पहले आप किस पे क्लिक करोगे? शेप टूल पे क्लिक करोगे. क्लिक ए कलर इन द कलर प्लेटलेट एंड सेलेक्ट द कलर. अब नीचे कलर्स दिए होते हैं, ये कलर प्लेटलेट है, मीन्स कलर की एक प्लेट है ये. इनमें से आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर चूज करो. शेप टूल क्लिक करोगे सबसे पहले शेप टूल पे, उसके बाद कलर प्लेटलेट में से एक कलर पे क्लिक कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे कलर को. नेक्स्ट पेज पे आओ. क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द ड्राइंग एरिया. क्लिक करना है और माउस को थोड़ा होल्ड, मतलब पकड़ के रखना है. होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट बटन जो है माउस का उसको थोड़ा क्लिक करके होल्ड करके रखना है ड्राइंग एरिया पे, जहां पे आपने ड्राइंग करनी है. बच्चे ये देखो, आपको साथ में पिक्चर्स ड्रॉ करके बताई हुई है. How to draw a picture. Release the mouse when you finish. जब आप draw करना start करते हो, mouse नहीं छोड़ना. Draw करना start किया, mouse का जो left mouse button आपने बोले ना hold करके रखो, वो button उतनी देर नहीं छोड़ना जितनी देर आपकी picture draw नहीं हो जाती. जब picture पूरी draw हो जाएगी तब ही mouse का जो button है release करना है. Release मतलब छोड़ना है. Now take another shape that you want to take and follow the same step. अब आपने एक शेप ड्रॉ कर ली, अगर आपको दूसरी कोई शेप ड्रॉ करनी है तो सिलेक्ट करो और वैसे ही ड्रॉ करो. सेम प्रोसीजर है. क्लिक करके होल्ड करना. होल्ड करना मतलब माउस को छोड़ना नहीं है. क्या नहीं छोड़ना माउस का? लेफ्ट माउस बटन क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है और थोड़ा थोड़ा होल्ड करके उसको ड्रॉ करना है. अब आता है टेक्स्ट टूल. द टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन द कैनवस, मतलब लिखने के लिए. अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो आप टेक्स्ट टूल का यूज करोगे. यहाँ पे है ए बी सी लिखा, नीचे टेक्स्ट भी लिखा. यदि ब्लू सा दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट टूल है. लेट्स वी रीड. क्लिक द टेक्स्ट ऑप्शन ऑन द टूल सेक्शन. क्लिक क्या करना है? इस टेक्स्ट ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन दिया और ब्लू से कलर का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे. देन क्लिक द फॉन्ट स्टाइल ऑन द सिलेक्टर पैनल. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी. इनमें से आप फॉन्ट जो स्टाइल है आपको कैसे लिखना है. देखो यहाँ पे कुछ ब्रीक है, कुछ डार्क है, कुछ थोड़े बड़े हैं और कुछ लाइट है. मीन्स हर किसी का साइज, उसका मोटाई, कोई पतले हैं, हर किसी का साइज थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट है. इनमें से आप अपनी चॉइस का कोई भी फॉन्ट स्टाइल ऑन द सिलेक्टर पैनल, ये सिलेक्टर पैनल है जिसमें से आप फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो क्लिक करके. देन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द अप एरो और डाउन एरो. देखो एक ऊपर भी एक एरा एरो, एक एरा एरो. इस एरो की हेल्प से आप और भी सिलेक्टर पैनल में से फॉन्ट स्टाइल निकाल सकते हो और आपकी चॉइस का जो आपको सही लगता है आप उसमें से चूज कर सकते हो क्लिक करके. पिक ए कलर फ्रॉम द कलर प्लेटलेट देन क्लिक ऑन द कैनवस. इनमें से आप कलर चूज कीजिए. स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट अपीयर्स एज शोन इन अ ब्लो पिक्चर. और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए. इन्होंने ब्लू कलर लिया होगा तो आपको ऐसे शो हो रहा है. अब नेक्स्ट देखिए. इफ यू वॉन्ट टू मूव द टेक्स्ट यू हैव टाइप टू अ न्यू प्लेस. अगर आपने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है आपको कुछ नए नीचे लेके आना है या साइड पे लेके आना है, इस नए प्लेस पे लेके आना है, जस्ट क्लिक एट दैट प्लेस ऑन द ड्रॉइंग कैनवस बिफोर प्रेसिंग एंटर. वैसे तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर का जो की है उसको प्रेस करते हैं. कीबोर्ड में जो एंटर की होती है, मैं नेक्स्ट लाइन में जाना हो
हम एंटर की का यूज करते हैं, पर एंटर की का यूज किए बिना आपको, मान लीजिए आपको नेक्स्ट लाइन में चाहे आना है, चाहे आपको नीचे आना है, चाहे आपको जहां आना है, आप अपने माउस के साथ वहां पे क्लिक कर लो, जो आपका जो ये कर्सर है वह वहीं पे आ जाएगा. यू विल फाइंड दैट लाइन ऑफ द टेक्स्ट यू हैव टाइप हैज मूव टू द लोकेशन. अगर आपने जो लिखा है उसको नीचे लेके आना है, उसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जहां पे आपको लेके आना वहां पे क्लिक करोगे तो वो जो आपने लिखा होगा उस जगह पे आ जाएगा, उस लोकेशन पे आ जाएगा. लोकेशन मतलब उस जगह पे जहां पे आपने, जहां पे आप उस टेक्स्ट को लेके आना चाहते हो. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.